आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस में, आज के क्वेश्चंस हैं हमारे इकाई के अंक। इकाई का अंक का मतलब क्या होता है? देखिए, ये हमारे हर एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर का होता ही होता है इकाई का अंक। इसको फाइंड करने का मतलब होता है, जैसे कि हमारा पहला है 6 9 4 5 3 8 7 8 7 5 2 3, में इकाई का अंक बताइए। नीचे दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, 7 की पावर 10 5 में इकाई का अंक बताइए। नेक्स्ट है 6 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71 में इकाई का अंक बताइए। अब मोस्टली बच्चा क्या करता है, जिसको नहीं पता है, वो इन सब की मल्टीप्लाई करता है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक फ़ोन नंबर की डिजिट आ जाएगी, उसमें से भी हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक। आपको पता है इकाई का अंक क्या होता है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, पहले हम उन्हें सीख लेते हैं। इकाई का अंक क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इंग्लिश में बोलें तो वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये इन सब में जो सबसे पहली डिजिट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इकाई या वंस। इंग्लिश में आएगा तो यहाँ पे वंस आएगा, और हिंदी में है तो इकाई आएगा। हमें ये फाइंड करना है, हमें इसे फाइंड करने के लिए सबसे बेहतरीन क्या होता है, इसमें सबसे पहले बेहतरीन क्या होता है, हमने क्या करना होता है, हमने इसमें लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करनी होती है। देखिए, इकाई का अंक हमसे बंदा कैसे पूछ सकता है, या तो सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई में पूछेगा, या आपसे पावर में पूछेगा। सिंप्लीफाई में कैसे, हमने जैसे ये सिंपल डिजिट दे रखी है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक को अंडरलाइन करेंगे। कर लिया इकाई का अंक अंडरलाइन, जैसे कि 3 और 7 की मल्टीप्लाई करो, 3 7 20 1, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 1। फिर 1 की 8 में करो 8, 8 4 32, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? दूसरा, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई 740 मल्टीप्लाई 338 मल्टीप्लाई 144, इसमें इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक में सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना है लास्ट वाली डिजिट को। कर लिया हमने? सिर्फ हमें ये लर्निंग में करना है, और जब आपको समझ में आ जाएगी ट्रिक, समझ में आ जाएगी सॉल्यूशन करना आ जाएगा, तो आपको अंडरलाइन की भी नीड नहीं होगी। 4 की 8 में मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, लास्ट वाला। फिर इसकी 2 की 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। और आपको ये पता होगा, अगर किसी की भी मल्टीप्लाई 0 में करके 0 आती है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये वाला टाइप समझ में आ गया। जैसे कि हम कोई और डिजिट ले लेते हैं, 6374 × 625 × 341, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो आप इकाई का अंक कैसे फाइंड करोगे, इसमें लास्ट वाले की लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 1 की 5 में करोगे क्या आएगा, 5 5 4 20, यानी कि इसका भी क्या आ गया, 0 आंसर। ठीक है, इस इकाई के अंक में टाइप 2 क्या होता है, पावर, यानी कि घात। जब किसी संख्या की घात दी होती है, यानी कि एक तो बेस होता है, और बेस के ऊपर क्या होती हैं, पावर होती हैं। इसकी 2 तरीके हैं करने का, तो बहुत बड़े बड़े तरीके हैं, पर एक सिंपल तरीका क्या है, हमें बेस दिया होगा, बेस के ऊपर पावर्स दी होंगी। बेस हमारा, इसमें ये हम बेस को 2 भागों में बांटते हैं। अगर बेस हमारा 0 1 5 और 6 है, तो जो भी हमारी बेस है, यानी कि अगर हमारे बेस की लास्ट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक 0 1 5 या 6 में से कोई एक है, तो आंसर भी यही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए,
625 की पावर 444। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बेस की इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है? 5। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 5। हम यहाँ पे कर दें 46 की पावर 325। हमें लास्ट डिजिट देखनी है, क्या है यहाँ पे? 6। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 6। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बेस हमारा 0, 1, 5 और 6 से शुरू होता है तो हमारा आंसर भी यही रहेगा। दूसरा देखिए, इन सब को छोड़ के बाकी क्या बचा? 2, 3, 4, 7, 8 और 9। इन 6 डिजिट में हमने क्या करना है? अगर हमारी इकाई अंक इन 6 डिजिट्स पे ख़त्म होता है तो हम यहाँ पे पावर्स को, ये जो ऊपर पावर होती है, इसे 4 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 की पावर कुछ भी है तो हम उसको किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 3 की पावर 65, तो हम इस 65 को किससे भाग करेंगे? 4 से। टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, हमें किससे भाग करना है? 4 से। अब आपको ये पता है 4 से पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, कुछ बैलेंस बचेगा। बैलेंस क्या बचेगा देख लेते हैं। 65 डिवाइड बाय 4, 4 एकम 4, 2 बचा 4 6 24, कितना बचा? 1। आपका बेस क्या बचा? केवल 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 3। आ गया समझ में? इस वाले को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई होप सो ये आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। दोबारा से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? हमारा बेस होगा, बेस का ये क्या होगा? 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अगर हमारा इकाई का अंक ये सारा है तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर हमारा बेस 2, 3, 4, 7, 8, 9 पर है, यानी कि अगर बेस का लास्ट डिजिट हमारा इन 6 डिजिट्स पे ख़त्म होता है तो हम इसकी पावर्स को 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर डिवाइडेशन में बैलेंस बचता है, बैलेंस जो भी बचेगा हम उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर बैलेंस नहीं बचता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला था 6 की पावर 69। आप देखें यहाँ पे 6 है और हमारा 0, 1, 5 और 6 वाला था, तो हमें इसमें 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। दूसरा देखिए 7 की पावर 71, बेस क्या है हमारा? 7, तो हम इसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 71 डिवाइड बाय 4, 4 वन जा 4, कितना बचा? 3। अब क्या आएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 सत्ते 28, कितना बैलेंस बचा? 3। यानी कि हम इस 7 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 × 7 × 7। समझने की कोशिश कीजिए, हमने 71 को डिवाइड किया 4 से, तो अब हमारे पास सिर्फ इसकी कितनी पावर बची? 3 पावर बची। 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, यानी कि आंसर क्या आ गया इसका? 3। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 6, 3, 7, 4 की पावर 1793। अगर हम इनकी पावर निकालने लगे तो हम बुड्ढे हो जाएंगे, पर इनका आंसर निकल के नहीं आएगा। अब हम ट्रिक क्या निकालेंगे? हमने देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है, हमारे ट्रिक में भी 4 है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जो बैलेंस आएगा उसे इकाई के अंक से डिवाइड करेंगे। 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 3, 4 अट्ठे 32 बचा 1,
यानी कि बैलेंस क्या बचा, एक। चार को एक से भाग करो, चार ही आता है। आ गया समझ में? आई होप सो आपको समझ, आपको ये टाइप टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जिसमें इकाई का अंक चार से पूरा पूरा कटे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 4137 की पावर 754। देखिए यहाँ पे 7 है, 7 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे 754 यानी कि इसे किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से। 4 1 4, 3 बचा, 4 8 32, 3 बचा, फिर क्या आएगा, 4 8 32, कितना बचा, 2, यानी कि 7 × 7, 7 × 7 49। आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये होता है हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारा ऐसे ही निकलता है, मैं एक बार रिव्यू करा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे कि हमारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखिए इकाई का अंक आप जानते हैं लास्ट डिजिट होती है, और ये एक या दो नंबर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमें निम्नलिखित में से इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताने के लिए आपको पता है लास्ट डिजिट को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, यहाँ से जो चलता है। नेक्स्ट, इसमें अगर सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे भी डिजिट दी हुई है, फिर 4 3 7, फिर 8 3 8 4, इस तरह से सिंपली मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट वाले से लास्ट वाले की, और फिर लास्ट वाला फाइंड करेंगे। 7 4 28 8 8 8 64 का 4, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4। अगर यहीं पे पावर्स की बात करें, पावर हमारी दो तरह की होंगी। अगर बेस हमारा 0 1 5 और 6 है तो आंसर भी यही रहेगा। अगर बेस हमारा 2 3 4 7 8 9 है तो हम किसको, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा तो इन डिजिट्स को बैलेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे 4 ही मल्टीप्लाई में आएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्लेटफॉर्म के लिए हुए हैं, मैंने प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि लॉकडाउन में आपको अच्छे से ज़्यादा ट्रिके और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले। ये आपका प्लेटफॉर्म से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी। हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। ये रहा 6 9 4 × 5 3 8 7 8 7 5 3 2 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक में हमें लास्ट डिजिट को देखना है, 3 7 28 28 का 8, 8 8 64 64 का 4, 4 4 16 का 6, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास इसमें, तो 3 7 21 का 1, 1 की 8 में करोगे 8, 8 4 32 का 2, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है आंसर, ए। नेक्स्ट है हमारा 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया था, एक तो 0 1 5 और 6, बाकी के यहाँ पे किए थे 2 3 4 7 8 और 9। यहाँ पे 7 है यानी कि हमें 4 से डिवाइड करना है पावर को, तो हम यहाँ 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, कितना बचा, 2, 4 7 28 सॉरी 4 6 24, कितना बचा, 1, तो 7 की मल्टीप्लाई हम केवल 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6 की पावर 59 मल्टीप्लाई 7 की पावर 71। देखिए आप इसमें सब कुछ करने को मिलेगा, 3 है यानी कि हमें 4 से डिवाइड करना है पावर को,
चार एकम चार, कितना बचा? दो। चार छीन चौबीस, कितना बचा? एक, यानी कि थ्री की केवल एक ही पावर है। इंटू सिक्स, आपको पता है इस वाले पोर्शन में ज़ीरो वन टू फाइव और सिक्स, यहाँ पे बेस हमारा सिक्स है तो ऑप्शन में भी क्या रहेगा? सिक्स। अब आ जाओ सेवन, सेवन को सेवेंटी वन से डिवाइड करना है। फोर वन ज़ा फोर, थ्री बचा, चार छीन चौबीस, चार सत्ते अट्ठाईस, कितना बचा? तीन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, समझ में आ गया? जितनी भी बैलेंस बचेगा उतने ही मल्टीप्लाई लग जाएंगे, और अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो यहाँ पे एक और सेवन आ जाता, यानी कि चार से डिवाइड करते। सात सत्ते उनचास का नौ, नौ सत्ते तिरसठ का तीन, तीन सत्ते इक्कीस का एक, एक की छः में करोगे छः, छतिया अट्ठारह का आठ, आंसर क्या आ गया हमारा? आठ। कर लेंगे, सात सत्ते उनचास का नौ, नौ सत्ते तिरसठ का तीन, तीन छिंग अट्ठारह का आठ, आठ तिया चौबीस का चार। हमने एक एक्स्ट्रा लगा लिया था, वो एग्जांपल में दिया था, समझ में आ गया आपको? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा इकाई का अंक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हमारा अभाज्य संख्या चलेगा। अभाज्य संख्या का थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से या फिर स्वयं से कटती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। हमारा नया टॉपिक अभाज्य संख्या और विषम संख्या होगा, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अभाज्य संख्या और विषम संख्या बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम।